थॉमस एल्वा एडिशन, जिसे संसार के सारे लोग जानते हैं, जिनके बदौलत हम और आप बचपन में पढ़ाई की रोशनी में और खेले भी रोशनी में, जिन्होंने आविष्कार किया था बल्ब का। थॉमस एल्वा एडिशन एक महान अमेरिकन वैज्ञानिक थे और एक व्यवसायी भी थे। जब इनको बचपन के दिनों में प्रयोग करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती थी, तब ये कमाने के लिए ट्रेन में अखबार और सब्जियां बेचा करते थे। तो आइए इस वीडियो में हम उनके कुछ विचारों को जानें। थॉमस का मानना था कि हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है हार मान लेना। कामयाब होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना। थॉमस का मानना था कि हम इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को इतना सस्ता बना देंगे कि सिर्फ अमीर लोग ही मोमबत्तियां चला पाएंगे, मतलब मोमबत्तियों से भी सस्ता हो जाएगा बिजली। ये थॉमस एल्वा एडिशन का मानना था। आगे थॉमस कहते हैं कि प्राकृत वास्तव में बहुत अद्भुत है और केवल इंसान ही वास्तव में बेईमान है, क्योंकि प्राकृत आपको वो सब कुछ देता है जो आपको चाहिए, जबकि आप प्राकृत से सब कुछ चुराते हैं। थॉमस का ये भी मानना था कि आपकी कीमत इसमें है कि आप क्या हैं, बल्कि इसमें बिल्कुल नहीं है कि आपके पास क्या है और कितना है। तो जो आपके पास है वो पर्याप्त है, वो सब कुछ करने के लिए जो आपको आगे बढ़ा सके। थॉमस ने ये कहा था कि मैं कामयाब नहीं हूँ। थॉमस का ये मानना था कि मैंने ऐसे कई तरीकों को खोजा है जो आज तक काम नहीं किए और काम नहीं करते हैं, कुछ तरीके ऐसे हैं जो काम करते हैं। आगे थॉमस का मानना था कि साहसी बनो, क्योंकि मैंने व्यापार में कई बार मंदी देखे हैं। जब वो बचपन में सब्जियां बेचा करते थे या बिजनेस किया करते थे, तो ऐसा हमेशा नहीं होता था कि उनका बिजनेस अच्छा होता था, फिर भी वो हार नहीं माने। तो आप भी कभी हार मत माने, आप साहसी बने, बिल्कुल अपने पूर्वजों की तरह बहादुर बनो और विश्वास रखो कि हमें आगे बढ़ना है। थॉमस एल्वा एडिशन के मतों में से एक ये भी मत था, किसी भी चीज के 1% के 10,00,000वें हिस्से के बारे में भी नहीं जानते। आगे थॉमस कहते हैं कि अधिकतर लोग अपनी लाइफ में मौके गंवा देते हैं क्योंकि ये काम जैसा लगता है। थॉमस का ये भी मानना था कि जीवन में नाकामयाब हुए कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें इस बात का पता नहीं होता कि जब उन्होंने हार मान ली थी तब वो कामयाबी के कितने करीब थे। यानी हो सकता था कि वो एक बार प्रयास करते और वो कामयाब हो जाते। तो जब कभी आपको ऐसा महसूस हो तो आप ये जरूर सोचें कि हो सकता है कि अगला कदम आपको कामयाबी के रास्ते पर ले जाए। थॉमस की सबसे अच्छी बात ये थी कि किसी भी कामयाबी में 1% प्रेरणा होती है और 99% पसीना होता है। तो जब आप मेहनत करेंगे तो कामयाब आप जरूर होंगे। हर कामयाबी में 99% पसीना होता है, 1% प्रेरणा। थॉमस का मानना था कि हम किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे पास ये 3 जरूरी चीज हों, ज्ञान, दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम। आप इन तीनों के बल पे कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। थॉमस ये मानते थे कि किसी भी चीज का आविष्कार करने के लिए आपको एक अच्छी कल्पना और कबाड़ के ढेर की आवश्यकता होती है। आप वैज्ञानिक उसे नहीं कहेंगे जो नई चीजों का इस्तेमाल करे, आप ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक वो अच्छा है जो कबाड़ से एक नया चीज बना दे। आगे एडिशन बिजनेस के बारे में बताते हैं कि मैं पहले ये पता कर लेता हूँ कि संसार को क्या चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और उसका आविष्कार करने का प्रयास करता हूँ जो संसार को चाहिए। थॉमस ने यह भी कहा था कि बेचैनी असंतोष है और असंतोष प्रगति की पहली आवश्यकता है। आप मुझे कोई पूर्ण रूप से संतुष्ट व्यक्ति दिखाइए और मैं आपको एक असफल व्यक्ति दिखा दूंगा। यानी अगर आप संतोष कर लिए तो आप असफल हो गए। एडिशन आगे ये भी कहते हैं कि केवल आप ही वो इंसान हैं जो तय करेंगे कि आपको कहाँ जाना है, ना कि कोई दूसरा करेगा कि आपको करना क्या है।